हेलो फ्रेंड्स, आज आपको दिखाऊंगा होंडा साइन एस पी का जो सेल्फ का जो प्रॉब्लम है वो कैसे सही करते हैं। तो ये देखिए इस बाइक का सेल्फ, ये देखिए एन ए ले रहा है। तो अब देखिए इसका सेल्फ कुछ भी नहीं बोल रहे है, एकदम से डाई है। तो इसके चलिए आप हम इसको सही करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोलना होगा, ये आपको ज़रूरत है। तो इससे हम इससे ये देखिए यहाँ पे जो एक स्विच है, स्क्रू है, इसको खोल लूँगा और इसको ऐसे करके हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये एक पेट्रोल का डिब्बा है, इसको हम इस स्विच पे देना होगा अच्छी तरह से। इसे अच्छी तरह से इसको पॉज करेंगे और ऐसे करके हमको थोड़ा सा प्रेस करना होगा। ठीक है, अब 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एयर प्रेशर से इसको यहाँ से देख पा रहे हैं, इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। और ये देखिए इसका क्या हाल है, ये एकदम से देखिए, ये देखिए आप देख पा रहे कि नहीं पा रहे, ये देखिए मेरे साथ अच्छी तरह से जूम नहीं हो रहा है। तो ये देखिए इसका अंदर रस्ट जम गया है, तो इसको हम थोड़ा सा वॉश कर लेंगे। और इसको भी अच्छी तरह से हमको थोड़ा सा रगड़ कर वॉश करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हल्का सा आपको इंजन ऑयल लेकर इससे हल्का देना होगा, इससे इसका जो रस्ट वो भी अच्छी तरह से चला जाएगा। और इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम इसको कैसे फिट करेंगे, आप देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गया। देख ले फ्रेंड्स, ऐसे करके आप भी आपका सेल का स्विच जब खराब हो जाए थे तो आप भी ऐसे करके सही कर सकते। थैंक यू। अब इसको फिट कर देता हूँ। अब इसका जो नट है, स्क्रू है, वो स्क्रू इसमें लगा दूंगा। बंद कर।